झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी के राज्य संगठन में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का लेटर जारी कर बताया कि डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को बीजेपी झारखंड प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रविंद्र कुमार राय पूर्व सांसद हैं। बता दें कि पिछले दिनों चर्चा शुरू हुई थी कि रविंद्र कुमार राय झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर इसका खंडन किया था। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से भाजपा नेता भी हैरान है। झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने डॉक्टर रविंद्र कुमार राय को भाजपा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर कहा, स्वाभाविक है कि हम खुद चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा अपना व्यस्त कार्यक्रम है। ऐसे में हमारे पुराने साथी को केंद्र द्वारा मनोनीत किए जाने से बेहतर क्या हो सकता है। हम झारखंड में 51 से अधिक सीटें जीतेंगे। किसी तरह की नाराजगी का कोई सवाल ही नहीं है।